देश आज लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में है। 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जी हां, देश में आज 2024 लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हुआ। 57 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। 904 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत और अनुराग सिंह ठाकुर पर आज होगा फैसला। रवि किसान, रविशंकर प्रसाद, बैजंत पांडा और मीशा भारती की किस्मत का होगा फैसला। ओडिशा में 42 और हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के सातवें चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज किस्मत की परीक्षा होगी। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गढ़ वाराणसी से उम्मीदवार है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का भी आज टेस्ट होगा। देखिए, अभी अभी जो है मैंने जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाए। देखिए, हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। मोदी जी ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीटें। We'll be right back.